कितनी प्यारी लग रही है ना आप ही। आप ही कितनी प्यारी लग रही हैं आप। बस आपको किसी की नजर ना लगे। तंग मत करो तुम नेहा, सुधर जाओ नेहा। मैंने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। बस कर दें आप, और कितना खुद को इल्जाम देंगे। ये इल्जाम नहीं है, ये एक तलख हकीकत है। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी, रखो अपने पास। ओहो, लोगों को क्यों सुना दी हो? मानती हो ना, इतना लापरवाह नहीं हूं मैं, अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं। तुम परेशान थे ना कि कैसे होगा सब कुछ, देखो सब हो गया है। लेकिन शाइस्ता, तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल तन्हा रह गया था। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से अंधेरों में घिर गया हूं। समझ में नहीं आता था कि इन तीन बच्चों को कैसे पालूंगा, क्या करूंगा। ये बेटियां बड़ी प्यारी चीज होती हैं। मैं उन्हें क्या पालता, उन्होंने मुझे जीना सिखा दिया है। कब मैं बड़ी हो गई मुझे तो पता ही नहीं चला। सुनो, लीजे की रुख्सती की तैयारी कर रहा हूं मैं। दुआ करना अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। अरे आप ही एक बार पहन के दिखा दें। ये फिर लड़कियां उसे तंग कर रही हैं। मैं जरा देख के आता हूं। लेकिन देखो, मैंने बहुत सारी बातें करनी है तुमसे, ठीक है? मैं भी आया। ये देखो नेहा, कितना प्यारा लग रहा है ना ये वाला, तुम पहन लेना, ठीक है? आप कौन सा पहनेंगी? मैं तो ये वाला पहनूंगी। ये देखो, ये भी बहुत प्यारा है ना, इसका दुपट्टा कितना प्यारा है। कितनी प्यारी लग रही है ना आप ही। आप ही कितनी प्यारी लग रही हैं आप। बस आपको किसी की नजर ना लगे। तंग मत करो तुम नेहा, सुधर जाओ नेहा। आप ही सिर्फ मैं दुपट्टा रख के चेक करने गई तो कह रही हूँ। बिल्कुल नहीं, कल भी तो पहनना है ना, कल देख लेना। अभी मैं बहुत थक गई हूँ, बस मुझे सोना है। तो इसका मतलब है आपको अपने दुल्हे मियाँ को ख्वाब में देखने की जल्दी हो रही है। तुम ना पिट जाओगी मुझसे। बस कर दे आप ही, इस पर तो जैसे आपकी किसी मार का असर होगा। अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें। तो समझाओ ना इसे, क्यों परेशान कर रही है मुझे। अरे आप ही, मैं परेशान तो नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि दुपट्टा पहन के चेक करवा दें कि मेरी प्यारी आप ही दुल्हन बन के कैसी लगेंगी। हाय, ये तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि आप ही दुल्हन बन के कैसी लगेंगी। अच्छा जी, तो तुम भी इसके साथ मिल गई। आप ही, हमारी बिल्ली कभी कभी तो काम की बात करती है। अरे आप ही, इट्स नॉट फेयर। इट इज फेयर। अच्छा चलो, नाराज मत हो ना, आओ दुपट्टा पहनाते हैं। आओ मेरे साथ जल्दी से, पकड़ो उधर से ध्यान से।
बहुत आराम से, रुको रुको नेहा, आराम से ऐसे। ये आपी नेहा कितनी प्यारी लग रही है ना। अल्लाह आपको किसी की नजर ना लगाए। आप ही आप अपने आप को मिरर में देखें तो कितनी प्यारी लग रही हैं आप। आपके दुल्हे में आप बहुत खुश नसीब हैं जो इतनी प्यारी वाइफ मिली है उनको। तुम तो ना मुझे मक्खन तो नहीं लगा रही हो ना। नहीं ना। अच्छा तुम अब तंग मत करो आप ही को। कहता था ना मैं तुमसे कि इतनी ढील मत दो औलाद को, देख लिया नतीजा। आप भी मुझे ही सुना रहे हैं, मेरी तो अपनी जान सूली पे लटकी हुई है, ना जाने मेरा बेटा कहां भटक रहा होगा। तुम्हारा बेटा किसी मेले में गुम नहीं हुआ है जो भटक रहा होगा। अरे बुलाओ उसे और उसे बताओ हमारी इज्जत की धज्जियां कैसे उड़ाई है उसने। इसीलिए मना कर रही थी, मत करें जबरदस्ती। अब देख लिया ना आपने अंजाम। जबरदस्ती ठीक है, मैंने जबरदस्ती की थी, मंगनी की थी जबरदस्ती उसकी। 6 महीने मंगनी रही है उसकी और तुम कह रही हो जबरदस्ती। मंगनी भी आपके कहने की वजह से की थी, राजी तो वो बिल्कुल भी नहीं था। खबरदार जो उसकी तरफदारी की तुमने, सारी जिंदगी तुम उसकी तरफदारी करती इसलिए बिगड़ा है और मैं खामोश रहा। चलो वो तो एक गलती थी, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है रुकैया बेगम, गुनाह है। वो लोग बारात की तैयारियों में लगे हुए, क्या जवाब दूंगा मैं रशीद को, हम दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। अनीजे के बारे में सोचा है तुमने, जानती हो ना लड़की की बारात दहलीज पे ना आए तो क्या होता है। अरे किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं रहेंगे वो लोग। इस लड़के ने कहीं का नहीं छोड़ा मुझे, पूरी बरादरी में नाक कटवा दी मेरी। यूं परेशान होने से भी तो कुछ हासिल नहीं होगा ना। तो फिर क्या करूं? आप रशीद भाई से बात करें ना। क्या कहूंगा मैं रशीद से, वो जिस बारात का इंतजार कर रहा है, इंतजार करना छोड़ दे। रुकैया मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं ये सब फेस नहीं कर सकता। जमाल कहना तो पड़ेगा, अभी भी वक्त है, आप उन्हें बता दें शायद कोई हल निकल आए। क्या हल निकलेगा, या अल्लाह हमारी मदद कर या अल्लाह। आज मैं इतना खुश हूं शाइस्ता कि मुझसे अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही। नजर उतारनी पड़ेगी तुम्हारी बेटी की, इतनी प्यारी लग रही थी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मेरे ख्याल में सबसे पहला काम यह करूंगा कि सुबह सदका दूंगा उसका। इतनी सुघड़ बच्ची है, देखना ना जन्नत बना के रखेगी अपने ससुराल को। बिल्कुल तुम्हारा परतवा है। खैरियत तो है, तुम इस वक्त रात को फोन कर रहा हो, सब ठीक है ना? रशीद मेरे भाई मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। क्या मतलब, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। ये क्या कह रहे हो जमाल, बहुत बड़ा जुल्म है जमाल।
जमाल मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी बेटी मर जाएगी जमाल। बाबा 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 क्या हुआ बाबा, क्या हुआ बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा, क्या हुआ आपको बाबा, बाबा होश करें बाबा, क्या हुआ आपको? बाबा को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, जाके हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा बाबा, जाके सलमान भाई को लेके बाबा, होश करें बाबा, क्या हुआ है आपको? बाबा होश लगती बाबा, बाबा कुछ नहीं होगा बाबा, आपको हम अभी अभी हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं बाबा, कुछ भी नहीं होगा। खाला खाला दरवाजा खोले, खाला खाला जल्दी दरवाजा खोले खाला। अरे आ रही हूं, आ रही हूं खाला। अरे नेहा बेटी इतनी परेशान क्यों है, क्या हुआ? खाला वो बाबा को। अरे क्या हुआ रशीद भाई को? खाला वो बाबा को हॉस्पिटल लेकर जाना है, भाई को कहीं जल्दी गाड़ी निकाले। अच्छा अच्छा तू परेशान नहीं हो, हम आ रहे हैं, तू चल। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। अभी कुछ बेहतरी महसूस कर रहे हैं आप? इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे आप, परेशान नहीं होंगे। मेरे बाबा को सेहत है, अपने बाबा के बगैर नहीं रह सकती, मेरे बाबा ठीक कर दो अल्लाह, पर बाबा के सिवा कोई नहीं, अल्लाह ने ठीक कर दे, अगर बाबा को कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी, अल्लाह मेरे बाबा को सेहत दे। दरअसल मेरी बेटी बाहर है। ओके, आपकी बेटी का क्या नाम है? अलीसे, अलीसे। मैं उनको बुला देता हूँ आपको। आपी बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ मेरी जान, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
ये क्या बोले डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? जी जी, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। घबराने की बात नहीं है, बस आप अल्लाह से दुआ कीजिए। आप लोगों में से अलीजे कौन है? मैं हूँ। आपके बाबा आपको बुला रहे हैं, यहाँ से प्लीज। इस आपी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा बाबा। बाबा ये सब देखो बेटा, मेरे जाने के बाद अपनी बहनों का ख्याल करना। आप कैसी बातें कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा। लीजा आपके बगैर नहीं रह सकती बाबा। आपको कुछ नहीं होगा बाबा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं जानता हूँ। क्या बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं बाबा? मत करे, मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। आपके लीजा मर जाएगी। सारी जिंदगी तुम्हें कभी कभी कोई खुशी नहीं मिली। बाबा नहीं, बाबा नहीं। मुझसे वादा करो मेरे जाने के बाद तुम मैंने संभाल लो। नहीं बाबा नहीं, ऐसी बातें मत करें। आप ठीक हो जाएंगे बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। सब कुछ खुद देखना होगा, तुम्हें उनकी जिम्मेदारी भी उठानी होगी। मेरे लाल नहीं बाबा नहीं, आपको कुछ नहीं होगा बाबा। मैं हूँ ना आपके पास, हम दोनों मिलके करेंगे। जाओ रे बाबा। बेटा जी बाबा, जी बाबा जाओ रे बाबा। क्या हुआ, क्या हो रहा है बाबा? बाबा बाबा इधर देखे मेरी तरफ, कुछ बोले ना, कुछ बात करे मुझसे। बाबू मेरी तरफ देखे, प्लीज मेरी तरफ देखे। डॉक्टर डॉक्टर प्लीज जल्दी आए। बाबू आपकी लीजे मर जाएगी, ऐसे मत करो। डॉक्टर प्लीज मेरे बाबा को देखे, अभी मुझसे बात कर रहे थे। बाबा बाबा आगे को है बाबा। Excuse me, I'm really sorry. Your patient is no more with us. क्या मतलब है no more? क्या मतलब है no more? अभी मुझसे बात कर रहे थे वो। बाबा ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर? ये लगाए ना, इसकी जरूरत है बाबा को। ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर? बाबा ये क्या कर रहे हैं डॉक्टर? इतने कुछ नहीं हुआ मेरे बाबा को, कुछ नहीं हुआ। कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई हाथ नहीं लगाएगा। बाबा बाबा प्लीज बाबा, मैं मर जाऊंगी आपके बगैर। या Thank you.
बाबा
क्या क्या रशीद, ऐसा नहीं हो सकता बहन। ये सब कुछ तबाह करके हैरान होने का ड्रामा कर रहे हैं आप। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? कम से कम जनाजे का तो ख्याल कर लिया होता आपने। इन मासूम बच्चियों के दिल पर क्या गुजर रही है? क्या मत ढा दिया आपने हम पर? ये जुल्म ढा दिया आपने। दोस्त बनकर आपने दोस्त का खून कर डाला। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मैं तो इस काबिल भी नहीं रहा कि अपने दोस्त की खबर पर जाकर फातिहा पढ़ सकूं। अरे बेटे ने, मेरी अपनी औलाद ने मुझे किसी को मुंह दिखाने का काबिल नहीं छोड़ा। अब अपने बेटे की नालायकी का रोना कहीं और जाकर रोए। ये सब कुछ करते हुए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? जरा सा भी ख्याल नहीं आया? आपने एक दोस्त का भरोसा तोड़ा है। आपको हमारी आह लगेगी। हम आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह आपसे इस जुल्म का हिसाब एक दिन जरूर लेगा। आ लगेगी आपको मेरे भाई की। आपने मेरे भाई की जान ली है। आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी खुश नहीं रहेंगे। कर दें फूफो, इन बेहिस लोगों के पीछे आप क्यों खुद को जला रही हैं? तो क्या करूं? मेरे दिल को नहीं सुकून आ रहा, बेचैन हो गई हूं मैं। अलीजे का ऐसा उजड़ा हुआ चेहरा देख के। अलीजे, आप ही की किस्मत में जो लिखा था वही हुआ है। और किस्मत का लिखा हम कहां मिटा सकते? आपको हौसला करना पड़ेगा। कमजरफों के लिए आंसू नहीं बहाए जाते। रुकैया भी कम जर्फ हूं मैं, कम जर्फ। मेरी कम जर्फी की वजह से मेरा दोस्त मर गया। मैं उसके जनाजे को कादा भी नहीं दे सका। कितना तड़पाऊंगा? उसकी सांसें अटक गई होगी। वो मेरा रास्ता तकता होगा कि मैं आऊंगा और अपना फैसला बदल दूंगा और उसकी बेटी को इज्जत दूंगा। मैंने उसको मौत के मुंह में धकेल दिया। बस कर दें आप, और कितना खुद को इल्जाम देंगे? ये इल्जाम नहीं है, ये एक तल्ख हकीकत है। मेरे अल्लाह, काश उसकी बजाय मुझे मौत आ जाती, मैं मर जाता। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ तो खुदा का खौफ करें। ठीक कह रहा हूं मैं। अगर मैं मट्टी ओढ़ लेता तो सारे जमाने के सामने मुझे ये शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ती जो अब मैं अपनी औलाद की वजह से उठाऊंगा। कहीं खाली छोड़ा उसने, कहीं छोड़ा। दुनिया वालों से निगाह भी नहीं मिला पाऊंगा, कभी भी नहीं मिला पाऊंगा। अलीर, ये तूने क्या किया बेटा? तूने क्या कर दिया? ये ले, गाजर भी डालिए तेरे लिए, सेहत बनाया कर थोड़ी। निकाल दी सब्जी भाई जी।
इंसाफ नहीं है जी। बैंगन बड़े अच्छे आए हैं, डाल दो। हाँ जी, ये गोभी भी बहुत अच्छी है, डाल। कितने हो गए? पैसों की क्या जरूरत है? क्या, क्यों रहने दूं? ये आलू भी लेना आप, टमाटर ये भी ले, करें ना शॉपिंग। पैसे मिल जाएंगे, थोड़े भागे जा। अच्छा, कैसे आ जाएंगे पैसे, जरा मुझे भी बताना। क्या है ना कि अब तो आना जाना तो लगा रहेगा, आपकी अपनी दुकान है, जितना मर्जी सोना ले ले। क्या है कि शीर साहब भी मेरे पास ही आके लेते थे। पैसे बताओ कितने हुए? मैंने कहा ना आपकी अपनी दुकान है, घर आकर साफ किताब कर लूंगा। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जी, रखो अपने पास। ओहो, लोगों को क्यों सुना दी हो? Thank you.